इसलिए मुझे रहना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए, बहुत गलानी हुई अपने जीवन में है। और घर छोड़ दिया, घर छोड़ करके मेरे भाई बहनों एक जंगल में निकल गए। ग्रीष्म ऋतु की बात थी, बहुत गर्मी की ऋतु थी और तालाब उनको मिल गया। उस तालाब में जल पीने के लिए गए, इतने में एक सन्यासी वहां पहुंच गए। सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और अपने दुख को प्रकट किया, महाराज जी मैं बहुत अभागा हूं, मेरे घर में संतान नहीं है, इसलिए प्राणस्तकम यहाँ गता, अपने जीवन की लीला को समाप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे भाई बहनों, जीवन का त्याग करना सही उपाय नहीं है, ये जीवन बड़ा अमूल्य है, जीवन को हम एक क्षण में बर्बाद कर देते हैं, ये सही उपाय नहीं है। उसकी हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। क्षणभंगुर जीवन तो है, लेकिन जीवन बड़ा अमूल्य भी है, इस अमूल्य जीवन को हमें सही सुरक्षा करनी चाहिए। मरने के लिए भी यहाँ आया हो, अरे क्यों मर रहे हो? बोले मेरे घर में संतान नहीं है, तुमने गौ सेवा की, बोले सब कुछ किया मैंने, गौ माता की सेवा की, वृक्षों की सेवा की, जिसने जैसा बोला ऐसा किया, लेकिन संतानहीन होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आज मेरा वह भाग्य है, आप जैसे संत मुझे मिले हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे पुत्र की कामना की इच्छा प्रकट करता हूँ। सन्यासी ने कहा, मुंचा ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे ब्राह्मण देवता, इस अज्ञान को छोड़ दो। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान होती है। विवेकम का समाज साध्य, अरे विवेक कर लो, कुछ सोच करो, कुछ विचार करो। और कहां तुम पुत्र के चक्रों में पड़े हुए हैं? अरे ब्राह्मण देवता, यदि पुत्र ही सबको सुख देने वाले होते तो सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, नहीं हुए थे सगर के 60,000? और कपिल ऋषि ने उनको श्राप दे दिया तो क्या उनका उद्धार हो गया? गीता जी में एक जगह था, मेरे भाई बहनों, उद्धरित आत्मा आत्मानम आत्मनेव साधे, अपनी ही आत्मा अपना उद्धार करती है, अपने ही द्वारा अपना उद्धार करने का प्रयास करना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए कि ये मेरा उद्धार करेगा। आप यदि समर्थ हैं, तन से समर्थ हैं, धन से समर्थ हैं, मन से समर्थ हैं, मन से दूसरों की बुराई न चाहना है, तन से दूसरों की सेवा हो सके, यदि भगवान ने आपको धन दिया है तो किसी गरीब के लिए, किसी अनाथ के लिए आपके धन का सदुपयोग हो। अपने द्वारा दिया हुआ, अपने द्वारा किया हुआ सत्कर्म ही आपके साथ में रहेगा। भरोसा नहीं रहना चाहिए कि मेरा कोई उद्धार कर देगा। गीता जी में साफ लिखा हुआ है, उद्धरित आत्मा आत्मानम आत्मनेव साधे, अपना उद्धार अपने ही द्वारा ही करना चाहिए। हे ब्राह्मण देवता, कहां तुम पुत्र के चक्र में पड़े हुए हैं? कोई आवश्यक नहीं है तुम्हारा पुत्र तुम्हें सुख देगा, तुम्हें जीवन में सुख प्राप्त होगा, इसलिए छोड़ दो इस काम को, भगवान का नाम लो, भगवान ने जो तुम्हें दिया है उसमें संतोष रखो, जिसका हुआ वो भी अच्छा, नहीं हुआ वो भी अच्छा। इसलिए ऐसी इस अज्ञान को छोड़ दो। बोले नहीं नहीं महाराज, तुम तो सन्यासी हो, महात्मा हो, तुम्हें क्या पता ग्रस्त के सुख का? ग्रस्त का सुख वही सुख है जिस ग्रस्त में कोई संतान हो, बच्चा हो, किलकारियां भर रहे हो, माता पिता उसका लालन पालन कर रहे हो। यदि तुम मुझे संतान सुख नहीं देंगे तो मैं तुम्हारे सामने प्राण छोड़ दूंगा, ब्रह्म हत्या लग जाएगी आपके ऊपर, पैर पकड़ कर। मेरे भाई बहनों, महात्मा ने देखा ये तो बड़ा जिद्दी आदमी है, चलो इसको कुछ दे देते हैं। उसके हाथ में फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को देना, अपनी पत्नी को फल दोगे तो कुछ नियम भी बताए हैं, एक भक्त भोजन करना, सत्य बोलना, गुरु सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ये तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ नियम बताए हैं। बड़ा सीधा साधा ब्राह्मण देवता,
सन्यासी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मेरी भाई बहनों घर आता है, अपनी पत्नी धुंधली को वो फल प्रदत्त कर देता है। लो ये धुंधली, आज हमारा वह भाग्य है, किसी महात्मा ने हमें फल दिया है, इस फल को खा लेना। इस फल से क्या होगा, हमारी संपत्ति होगी, जरूर खा लेना, भूलना नहीं। अब धुंधली ने भी देखा फल, उठाया, हाँ हाँ खा लूंगी, और रख दिया। मेरे भाई बहनों, उसकी पड़ोस की कोई सहेली एक आई और अपनी आप बीती धुंधली ने शुरू कर दी। अरे दीदी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी शंका का समाधान कर दो। बोले क्या हुआ? बोले आज मेरे पति देवता एक फल ले आए हैं और उन्होंने कहा फल को खा लेना, संतान होगी। बोले अच्छी बात तो है। अरे बहन, तुझे जानती नहीं है, मैं तो सुकोमल हूँ, मेरा शरीर कितना मुलायम है, कितना, और यदि मैं गर्भ धारण करूंगी तो मेरा सारा चेहरा बिगड़ जाएगा। वाह। फिर कहती है बहन, सुना है कभी कभी बच्चा पेट में टेढ़ा पड़ जाता है तो उसका काट फाड़ करनी पड़ती है, मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। अरे बहन, सभी सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, कहीं एक दो वर्ष ज्यादा मेरे गर्भ में रहेगा तो मेरा मरना हो जाएगा। फिर कहते हे सखी, सुनो, यदि बल कभी भूकंप आ गया, लोग तो बिल्कुल हल्के होंगे, मैं भारी रहूंगी और मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं वहीं मर जाऊंगा। इसको मेरे भाई बहन क्या कहते हैं, कुतर के बुद्धि, समझे, धुंधली कुतर के बुद्धि, कहीं आग लग जा गई तो लोग बच जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। उसने कहा तेरी मर्जी, तू खाए ना खा, इतनी कुतर्क मैं तेरी सुनने वाली नहीं हूँ, तेरी मर्जी, खा ले, खाते तो खाने से मत खाते। मेरी बहन, उसकी एक बहन थी, धुंधली की बहन थी, उसकी बहन घर पहुंच गई। मेरी बहन, तू भी अच्छी आई आज। मेरे क्या हुआ? बोले तेरे जीजा जी जो है ना, एक फल ले आए हैं और फल जो है कहा खा लेना, तेरा बच्चा होगा। बोले दीदी, तेरी मर्जी बिगड़ गई, कहीं किसी महात्मा के फल देने से बच्चे होते हैं? अरे तू तो बहकाव में आ गई, तुझे बच्चा देना पुत्र चाहिए। बोले हाँ हाँ। बोले मेरे तो इतने बाल बच्चे हो चुके हैं, उस अपनी बहन का धन अपना चाहती थी वो बहन, और ऐसा करना मैं अपने बच्चे को जन्म लेने के बाद तुझे दे दूंगी और उसके जगह पर तू मुझे कुछ धन दे देना। मेरी पक्की बात? बोली हाँ, बिल्कुल पक्की बात है, धोखा तो नहीं देगी? बल्कि बिल्कुल धोखा नहीं होगी। मेरे भाई बहनों, उसने वो फल नहीं खाया। बोली बहन, तुझे यदि परीक्षा ही लेनी है, इस फल को गौ माता को खिला देते हैं। उस फल को मेरे भाई बहनों गौ माता को दे दिया। अपने पति के साथ में धोखा करती हुई वह धुंधली, कुछ समय बाद उसकी बहन का बच्चा हुआ और उसने अपनी बहन धुंधली को दिया। पति को कहा, महाराज, संतान ने जन्म दे दिया, हमारा बालक हो गया है। बड़ी धूमधाम से मेरे भाई बहनों जात कर्म संस्कार हुआ। अब यहाँ जिस गौ माता को फल दिया था, उस गौ माता के गर्भ से भी सर्वांग सुंदर एक बालक ने जन्म ले लिया। मात्र जिसके कान गौ के थे, वाकई पूरा शरीर जो है बड़ा दिव्य शरीर था। अब सब बधाई देने के लिए आ गए, महाराज जी आज तो तुम्हारा भाग खुल गया है, गौ माता भी दिव्य बालक को जन्म दे रही है, तुम्हारी पत्नी का भी सुंदर बालक हो गया है, अब इनके नामकरण संस्कार का समय आया। आत्मदेव ने सोचा था, मैं अपने बच्चे का नाम भी अच्छा नाम रख दूं, मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम परमात्मा देव रख रहा हूं, भगवान से संबंधित नाम भी रख रहा हूं। तब तक धुंधली कहती है, अरे वाह, 9 महीने तक तो मैं रखिए प्योट माता और 9 तो मार करके बोले वहां, अरे नाम होगा तो मेरा नाम जुड़ेगा, जुड़ेगा इसके साथ में। बोले चल, तेरा नाम जुड़ेगा। बोले क्या नाम रखेंगे इसका? बोले इसका नाम धुंधकारी रख देते हैं। और जो बालक था मेरे भाई बहनों, गौ माता ने जिसको जन्म दिया था, उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी धुंधकारी महाखगा। गोकर्ण जी तो बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, इन धुंधकारी महाखल महामूर्ख दोनों ने ख्याति प्राप्त की, एक विख्यात हुआ एक कुख्यात हुआ। एक विख्यात हुए और दोनों में ख्याति जुड़ी हुई ना, एक कुख्यात हुए।
जो धुंधकारी था वह हाथ में हमेशा हथियार लेके घूमता था, लोगों को थकता था, मारता था, बच्चों को पीटता था, बहुत दुखी थे लोग उससे, घर में चोरी करता था, जगह जगह चोरी करता था। मेरे भाई बहनों, उसकी इस दुख से बहुत परेशान हो गई आत्मदेव, बहुत परेशान हो गई, और आत्मदेव ग्लानी उनको हो गई। देखो, जब नहीं था तब भी दुखी थे, जब हुआ तब भी दुखी है, आज बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। गोकर्ण जी को पता हुआ मेरे पिताजी बहुत परेशान हैं, इसलिए मुझे जो है अपने पिताजी को समझाना चाहिए, हे पिताजी क्यों दुखी होते हैं। बोले, पिताजी संसार में कौन सुखी है, न चंद्रस्य सुखम किंचित सुखम न चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीविनः। पिता जिसमें मांस धनरे भिन्नम तदत्तम, और इसमें मांस है, हड्डियां हैं, वर्तमान मेरा पोता मेरी पोती की सब ममता, मेरे भाई बहनों दो ही कान होते बंधन के, मैं और मेरा, समझिए जुड़ जाता है, पूरे जन्म का संबंध जुड़ा रहता है। ये जीवन एक सफर है, क्या है, सफर है। जैसे हम लोग ट्रेन में, रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, अथवा बसों में हम लोग यात्रा करते हैं, हमारे बगल में कोई भाई या बहन पे बैठ जाती है, हमारा परिचय उससे होता है, भैया आपको कहाँ जाना है, वे बोलता मैं ऋषिकेश जाना, वे बोलता मैं देहरादून जाना है, चलते 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 रास्ते में खूब घनिष्ठता हो जाती है, मित्रता हो जाती है। जैसे उसका स्टेशन आ जाता है, अपने स्टेशन पे वो उतर जाता है, दूसरा आदमी उस सीट पे बैठ जाता है, उसका रिजर्वेशन होता है वहाँ का, चलते चलते मेरे भाई भी हैं वह भी उतर जाता है। अब हमारा स्टेशन, ऐसे ही हमारे जीवन की जो गाड़ी है, जीवन का जो सफर है, इसमें जो पहले से जानते थे कि हमारा बेटा बनेगा, क्या हम अपनी पत्नी को पहले से जानते थे कि हमारी पत्नी बनेगी, क्या हम अपने पति को पहले से जानते थे कि हमारे पति बनेंगे, हमारे ससुर बनेंगे, ये हमारे जीवन के यात्रा की यात्री हैं। पिताजी का स्टेशन आया, छोड़ दिया, चले गए पिताजी, हमारा स्टेशन आएगा, हमको छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहनों, देहस्थ मांस हृदय धीमतिम तजत्तम जान बन जाता है, पश्चानिसम जगद इदम क्षण भंग निष्ठ वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठ, नाशवान है। इस नाशवान संसार से हमारी इतनी बड़ी आसक्ति है, ये हमारे बंधन का कारण। बेटी का विवाह किसी पंचायत घर में करते हैं या अथवा किसी होटल में करते हैं, हमने वहाँ होटल को इतने दिन के लिए बुक करवाया है, 5 दिन के लिए बुक करवाया है, भाई 5 दिन तक हमारे जो है घराती यहाँ रहेंगे, आएंगे, खाएंगे, सारी व्यवस्था इस होटल में होगी। मेरे भाई बहनों, जैसे 5 दिन पूरे हो जाएंगे, क्या छठवें दिन सत्र समाप्त हो जाएगा, हमारा जीवन का काल समाप्त हो जाएगा, इस शरीर में नहीं रह पाएंगे, छोड़ना ही पड़ेगा, यदि नहीं छोड़ेंगे तो दंड पड़ेगा। तो पिताजी, देहस्य मांस हृदये भीमतिं तदत्तम् जाया सुता विश्वसरा ममतां विमुञ्चः अस्तो भव भक्ति धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् गहितां कृष्णः अन्नस्य दोष गुण चन्दन मासु भक्त्वा धर्म भजस्य सततम् तदलोक धर्मान्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो भीरहनुमन्त प्रचोदयात्। ॐ नवकुलनाथे विद्महे भीषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पराज प्रचोदयात्। हरिः ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो इष्टदेव नरसिंह भगवान् प्रचोदयात्। ॐ सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाचैः ुण्डाजातिकरवीरसालपुष्पैर्लाप्रवालतुलसैदलमञ्जरीभिम्भोजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीदः। पापं पापग्रमः पापात् मा पापसम्भवात् त्रायि मा शर्वदात्। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे ग्राणार्जाम्बि मा प्रीता प्रसीदा परमेश्वरि। गुह्यादि गुह्यगोत्रितं ग्राणास्मान् कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान् मयि। सर्वे भवन्तः सुजनां सर्वे शान्तिरामदा सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्भवेत्। मन्दपुष्पाञ्जलि शौरभदामेः गुरु सत्यपुरुषनाथम धर्मपण्डितः। जय हो विष्णु भगवान की। जय गुरु श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय गुरु वेद व्यास महाराज की। जय गुरु सत्यपुरुषनाथम धर्म की। जय इष्ट देव भगवान के चरणों में लग जाता है कैसे नाम रखूं। तो स्थिति आज हमारी भी है मेरे भाई बहनों। शास्त्र कहता है हमेशा बच्चे का नाम गुरु से ही रखवाना चाहिए। जो पुरोहिता बने घर पर अब प्रकार की स्थिति अनुजी हुए की यजमान इतना यजमान से पुरोहित जी पूछ रहे हैं भाई तुम्हारे लड़के का नाम चौस चौबीस चौन के नौ रखने को यजमान से पूछ रहे हैं। अब तब देखते हैं वही सब होता है क्या बोल रहे हैं उसको नियत देखते हैं नियत बताइए कि कौन कौन से अच्छे से नाम होंगे। तो हमें जो है अपने वर्ण के अनुकूल अपनी जाति के अनुकूल अपने वंश के अनुकूल बच्चों के नाम रखने चाहिए। भगवान से संबंधित होने चाहिए। लड़की का नाम विषम होता है और पुरुष का नाम सम होता है। अति दीर्घ नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान से कोई भी भगवान के तो हजार नाम हैं एक नहीं हजार नाम भगवान बताए भगवती लक्ष्मी का हजार नाम सुन भगवती दुर्गा का हजार नाम सुन हजार सहस्त्र नाम दुर्गा सहस्त्र नाम बोलो विष्णु सहस्त्र नाम बोलो हर देवता के हजार हजार नाम है। अतम नाम बोलते हैं हजार नहीं खोजो तो सतना अष्टोत्तर तो है अष्टोत्तर मैंने 108 नाम तो हर देवता के मिलेंगे। ये महाभारत में सारे देवताओं के 1000 नाम मिलते हैं महाभारत से मिलते हैं सारे। तो हजार नाम जहाँ हो उनमें से जो पसंद आए उस नाम को रख दीजिए। तो पुरोहित के द्वारा ही नाम तो नहीं किया जाता है ऐसा शास्त्र निर्णय है। और मेरे भाई बहनों बड़ा दुख होता है आज हम लोग ना अपना रिश्ता भी बिगाड़ लग गया रिश्ता बिगाड़ पहले जमाना में ना माँ ताकि बोले साहब वही बोला सर बोल सब वे भी गए तब क्या बोले माँ कितना प्यारा शब्द है माँ कितना इसमें जो है रस भरा हुआ है कितने अपनत्व भरा हुआ है कितना प्यार भरा हुआ है माँ। माँ भी गई तब क्या बोला मम्मी मम्मी भी गई अब मम्मी की जगह पर क्या बोल रहे हैं मोम बताइए मोम मनी पिघला हुआ पिताजी के बाबा बोले था बाबा निकल था बाबा जी भी गए पिताजी हुआ पिताजी भी गए अब क्या बोले भेट भेट बनी खत्म बाबू खत्म कर लिए वे मुंह बोले स्थिति है।
हमें अपनी प्राचीनता सभ्यता और जो हमारे संस्कार हैं इनको भूलना नहीं चाहिए। इन शब्दों का अर्थ है, निरर्थक नहीं है शब्द। ये पत्नी जो बोला जाता है क्यों बोला जाता है, माँ बोला जाता है क्यों बोला जाता है, पिताजी बोला जाता है क्यों बोला जाता है, सब प्रत्येक शब्द का व्याकरण है, प्रत्येक शब्द के अर्थ हैं। ऐसे थोड़ी नहीं ऐसे रख लोगे नाम। पत्नी शब्द का अर्थ होता है पति की पत्नी ही, जो पत्नी अपने पति को धर्म अधर्म से बचाती है, सधर्म में लगाती है, इसी का नाम है पत्नी। धर्म पत्नी बोलते ना, ऐसे ही सब रिश्तों का भी विवेचन किया गया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि नाम अच्छा रखना चाहिए। अरे अजामिल, अभी भी बाल बच्चे होने के लिए अभी यहाँ हमारा भी बच्चा होने वाला मेरा, एक काम करो भाई, जो होने वाला था उसे क्या फायदा होगा, बोले फायदा होगा बड़ा नारायण रख देना, सोने के लिए आ जा, शयन कर ले बेटा नारायण, खेलने के लिए जा बेटा नारायण, पानी पी ले, भोजन पायस मूड हो नवीना कदम मंत कदम। प्रत्येक स्थिति में मैंने समय ऐसा आया कि अजामिल वो अस्वस्थ हो गया, सैया में पड़ गया, यमराज के गुरु पहुंच गए, अखिल रहा था दूरे दूरे क्रीड़ा सुना और पुकारता है बेटा नारायण नारायण। भगवान के बीच चार प्रकार के भक्त होते हैं, आपको जिज्ञासा अर्थार्थी ही। गीता में भगवान ने बोला कि चार प्रकार के लोग, अर्थी लोग, चाहने वाले लोग, तो ऐसी अर्थ स्थिति में आकर के उसने भगवान का नाम बोला, भगवान के दूत वहां पहुंच गए। भगवान ने बोला कोई मुझे अर्थ होकर के पुकार रहा है, दुखी होकर के पुकार रहा है, तुम जाओ कौन है वो, तुरंत पहुंच गए। यहाँ यमराज के दूत भी खड़े हैं, भगवान के विष्णु दूत भी पहुंच गए, दंड का अधिकारी है। भगवान के दूत बोलते नहीं नहीं, इसने अंतिम समय में नारायण नारायण बोला है, इसलिए ये दंड का अधिकारी नहीं है, क्योंकि पतितस्य चलितः पादौ संस्थितौ वे बैठते हुए हरि नाम जो बोलते हैं, नारायण नाम जो बोलते हैं, उमा हरि महाराज कैसी बात बोलते हैं आप, ये सब साक्षी है। भगवान हमारा गवाह देते हैं, अग्नि गवाह देती है, संध्या अग्नि दिशा दिशाएं प्रातःकालीन हमारी गवाह देने के लिए हम हमारे साक्षी होते हैं। तो उसने जो है आप में भगवान को पुकारा, आप होकर के जो भगवान की याद करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। मेरे वाले बहनों, गोस्वामी जी ने ये लिखा एक बात भी जो है, तो खूब उनकी पिटाई होगी, भागो यहाँ से, जब भेज दे रहे होगे तो हम मार खाते रहेंगे। विष्णु इस प्रकार से अजामिल सारी घटना देख रहा है, उसने बोला वाह, एक बार भगवान का नाम बोला, वही बेटे का नाम बोला, मेरा उद्धार हो गया। फिर भाई बहनों, अजामिल ने जो समय का शेष रह गया था, उस शेष समय में भगवान की का कीर्तन किया, भगवान का स्मरण किया, अंतिम में उसको प्रभु के धाम की प्राप्ति होती है। अजामिल का अर्थ होता है, आज कहते हैं माया को, जीव माया से मिला हुआ है, हम सब माया से जुड़े हुए हैं, तो माया से जुड़े हुए जीव का उद्धार भरोसा नहीं है। सांस सांस पर कृष्ण हो जाओ पिता, सांस मत कोई ना जाने इस सांस का आवन हो न हो, कोई भरोसा पड़े नहीं दोबारा हम सांस ले पाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। तो जीवन के अंतिम काल के क्षण तक जो हम भगवान का नाम बोले, भगवान का स्मरण करें, तो समझ लीजिए जीव का कल्याण हो जाता है। अजामिल शब्द का ही दूसरा अर्थ है, अज कहते हैं बकरी के लिए, बकरी के गले में घंटी होती ना, जो काम की होती है वो खल दिखाने के लिए घंटी बजती है, ये बजती ना, ऐसे ही हम संसार के जितने भी जीव हैं, इस बकरी की घंटी की तरह हमारा जीवन है, क्योंकि हम माया से जुड़े हुए हैं, और मायापति भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा, हम माया से मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान के नाम की महिमा। उसके बाद मेरे भाई बहनों,
षष्ठ स्कंध में वृत्तासुर की कथा आती है। वृत्तासुर का अर्थ होता है युद्ध, मनी होता चरित्र, असुर मनी राक्षस, समझे, जिसका चरित्र अच्छा ना हो वही राक्षस है। तो भगवान ने क्या किया, दधीचि की हड्डी मंगवा करके उसका वज्र बना करके वृत्तासुर का वध करवाया। अंतिम तक भी वृत्तासुर जो था भगवान का गुणानुवाद जाता रहा। ये चित्र केतु नाम का गंधर्व था, ये इसने भगवान की निंदा की थी, माँ भगवती की निंदा की थी इसने, पार्वती जी की, इसलिए इसको राक्षस योनि में आना पड़ा। लेकिन अपनी पूर्व जन्म की स्मृति से याद थी, इसलिए वो वृत्तासुर नाम का असुर बना। और भगवान की कृपा प्रसाद से वज्र का निर्माण करने से वृत्तासुर का वध हो जाता है। आगे मेरे भाई बहनों, सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है। सप्तम स्कंद में ऊति लक्षण का वर्णन है। ऊति मनी वासना, वासना जीव की दो प्रकार की होती है। अब यहाँ पर राजा प्रचित रहते महाराज गुरुदेव, भगवान जो कहते हैं भगवान समदृष्टा है, संभाव रखते हैं, सबके समान देखते हैं। यदि भगवान सबके समान देखते हैं तो राक्षसों को क्यों मारते हैं? राक्षस भी तो भगवान के नहीं मानना चाहिए, उनके जो संभाव है उनके अंदर समान भाव से देखते हैं, राक्षसों को क्यों मार देते हैं भगवान? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तीन प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब जब सतोगुण की वृद्धि होती है तब तब देवताओं की विजय होती है। जब जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो मनुष्यादियों की विजय होती है। जब जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब राक्षसों की जय होती है। अथवा भाव द्वेतम सदा दुर्या क्रिया द्वेतम न कार्य। भगवान जो है ना, अपनी माँ अपने बच्चे को मारती, क्यों मारती है? माँ अपने बालक को मारने के लिए, पति तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, पति तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, तुमसे बोलता नहीं, तुम इतनी रो रही है, इतनी चिल्ला रही है, तुम्हारे बदन को सुनता नहीं है, देखता नहीं है, तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, चेतन हो गया है, मर गया है, शरीर जड़ हो गया है, उसके लिए क्यों रोती हो? अरे देवियो, पतिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम गृहस्थितम तद विहितम विनश्यति। जाको राखे साया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरे हो। जिसको भगवान को रखना होगा ना, चट्टान से भी गिर जाएगा बच जाता है। जिसको भगवान को नहीं रखना होगा, एक ठोकर लग जाती है और चले जाता है। यदि हमारे भाग्य में कोई, हमारे भाग्य में वस्तु है, हमारी वस्तु खो गई, रस्ते में खो गई, भाग्य में है, पतिच्युतम तिष्ठति रक्षितम, मिल जाएगी। और भागवानी से ना घर में कहीं भी वस्तु भी नहीं मिलती, घर में हर चीज भी नहीं मिलती, समझ गए? तो जिसका समय आ जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाई बहनों, ये ज्ञान दे रहा है कौन? हिरण्यकश्यप को, अपनी माँ को। तो ज्ञान देना बहुत सरल होता है, हकीकतन सुनना बहुत सरल होता है, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में लाना बहुत कठिन होता है। एक घर में ना कोई बच्चा बहुत गुड़ खाता था, बहुत गुड़, बहुत मीठा खाता था। अब डॉक्टर ने बोला इसका मीठा बंद करो, नहीं तो उसको रोग हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। तो वहाँ गांव के नज़दीक भी आश्रम था, वे महात्मा रहते थे, महात्मा के पास मंत्र तंत्र होते थे। लेके बेटे को वहाँ, बोले महात्मा जी कृपा करो, हमारा बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसका गुड़ बंद करवा लो। अरे माँ, बेटा तो कम से कम दिन में 20 ग्राम खमीर लो। लेकिन महात्मा जी दिन में एक भेली खा लेते थे, पूरी 2 किलो गुड़ खा लेते थे। महात्मा ने बोला भाई, तो समय बाद लाना उसको मेरे पास। जब मंत्र जानते थे लेकिन उसको समय बाद लाना, पहले महात्मा ने अपना गुड़ छोड़ा, तो महात्मा ने उसको मंत्र दिया। मेरे भाई बहनों, शिक्षा देना बहुत सरल है, लेकिन शिक्षा को अपने आजीवन में आचरित करना बहुत कठिन है। याद रखना, सच्चा ज्ञान वही होता है जिस ज्ञान को तुम अपने जीवन में भी आचरित करते हो, यही दूसरे को शिक्षा लगती है, अन्यथा शिक्षा लगेगी नहीं।
ऐसी ही स्थिति यहाँ पर हिरण्यकश्यपु की भी है। सिखा तो रहा है अपने माता पिता, अपनी माँ को, अपने भाई की बहू को, लेकिन स्वयं उस शिक्षा अपने जीवन में नहीं है। उसमें तपस्या करने के लिए जाता है, भागवत में कथा नहीं आती, लेकिन अन्यत्र पुराणों में कथा आती है कि देवताओं में हलचल मच गई। हिरण्यकश्यप तपस्या करेगा, बल मिलेगा, वरदान मिलेगा, तो अत्याचार करेगा, तो एक देवता वहाँ पक्षी बन के चले गए। जिस पर्वत में तपस्या करने के लिए गया था, मंदरात्रा पर्वत पर, जैसे ही हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए बैठता है, ऐसे नारायण नारायण की ध्वनि आती है। उसने स्थान छोड़ दिया, दूसरी का बेटा, फिर नारायण नारायण की ध्वनि आई, वो भी जगह छोड़ दी, पिछले का बेटा, वहाँ भी नारायण नारायण की आवाज़ आई। बोले आज का दिन भी बढ़िया नहीं है, भागवत की कथा नहीं है, अन्यत्र कथा की है। वापस घर आया, घर आके जो है उसकी पत्नी का नाम था कयाधु, कयाधु ने देखा यदि तुरंत पूछती हूँ महाराज घर क्यों आए, तो मुश्किल है, राक्षस है ये। इसलिए उसने तरीका सोचा, उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। बराबर तो संसार में कोई है ही नहीं, तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई बड़ा कठिन है, मेरे भाई बहनों यहाँ अत्याचार करता है, याद रखना। भागवतकार कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, यदा देवेश वेदेशु घोष विप्रेश साधुषु, जब कोई आदमी वेदों पर प्रहार करता है, वेदों की निंदा करता है, गो को दुख देता है, साधु महात्माओं को कष्ट पहुंचाता है, ब्राह्मणों को दुख देता है, समझ लीजिए वो धर्म के प्रति जो इसकी आस्था हट जाती है, समझ लीजिए उसके नाश के दिन आ जाते हैं। सवा आसु विनश्यति ही, उसमें निश्चित मरना है। ऐसा उसने काम कर्म किया। और मेरे भाई बहनों आगे जाकर के उसके जो हैं हिरण्यकश्यप के पुत्र होते हैं, और उनमें से सबसे जो छोटा पुत्र था प्रह्लाद, जो भगवान का अनन्य भक्त था, बालक होते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी नोदिग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहा श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुभिः, नोदिग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहा, उद्विग्न चित्त नहीं था, उसका चंचल नहीं था, व्यसन में उसका मन नहीं था, और इंद्रियों के सुख के लिए उसकी इच्छा नहीं थी। प्रशांत कामारिता सुरा सुर हो, प्रशांत काम, असुर कुल में जन्म लेने पर भी वो असुर की तरह उसके अंदर लक्षण नहीं थे, प्रशांत, एक होता शांत। भगवान कैसे हैं, शांताकारम भुजग सजनम, इन प्रशांत शब्द का दो जगह लिखा है यहाँ पर, एक तो लिखा है सुदामा जी के लिए, एक लिखा है प्रह्लाद के लिए। प्रशांत शांत को तो क्रोध आता भी है, लेकिन प्रशांत को क्रोध नहीं आता है। कितनी यातनाएं दी गई थी प्रह्लाद को, कभी क्रोध नहीं आता, कभी क्रोध नहीं किया। प्रशांत का महा प्रशांत थे वो, और रहिता असुर होने पर भी, असुरों के कुल में होने पर भी उसके अंदर ऐसे कोई लक्षण नहीं थे। उचित रुदते वैकुंठा चिंता सबल चेतन, कभी कभी भगवान का नाम जब लेता था तो मेरे भाई बहनों कुछ हंसते ही कभी हंसने लग जाता था, कुछ गायते ही कभी गाने लग जाता था, उद गायते कचुर कभी चिल्लाने लग जाता था, बिलज्जो नृत्यते कचुर और कभी नाचने लग जाता था, इतना तन्मय हो जाता था कृष्ण नाम में, उसके अपने शरीर का भान नहीं होता था, शरीर की सुध नहीं होती थी, उसके मुखारविंद से नित्य गोविंद नाम निकलता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान की भक्ति में बड़ा तन्मय,
था मेरे भाई बहनों कि जब शिक्षा के योग्य हुआ उसको गुरुकुल में भेज दिया गया। वहाँ गुरु थे शुक्राचार्य जी, उनके दो बेटे थे संड और अरुणा, उनको शिक्षा के लिए भेज दिया कि गुरु जी मेरे बच्चों को जो है राजनीति शास्त्र बताना, अर्थशास्त्र बताना, नीति शास्त्र बताना, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये राजा बनेंगे। तो मेरे भाई बहनों जैसा शासक होता है उसके अंदर शिक्षा की भी प्रणाली बनती है। राक्षस था वहाँ, उसने तो वहाँ यही सिखाना था, कहाँ भक्ति सिखाता वहाँ। तो गुरुजी जो पाठ पढ़ाते थे याद कर लेता था, तुरंत सुना देता था। लेकिन एक दिन गुरुजी उस बालक को लेकर के राजमहल में पहुँचे। माँ ने उसका सुंदर श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए और राज दरबार में ले गए। राजा ने उसका बड़ा लाड़ प्यार किया, गोदी में बिठाया। बोले बेटा प्रह्लाद तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? तो प्रह्लाद जी कहते हैं पिताजी तो साधु मन ने सूर्यवर्य देहिना, हे पिताजी मुझे सबसे अच्छा लगता है यत्त्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनंगतं वनंगतो या हरिमास्तैतः। मैं घर छोड़ दूं, हरिमास्तैतः जंगल में चले जाऊं, एकांत में चले जाऊं, भगवान हरि की शरण में। हिरण्यकश्यप को बड़ा आश्चर्य हो गया, क्या बोल रहा है ये हरि शरण। हरि उसको तो राजनीति शास्त्र पढ़ने के लिए भेजा था, अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए भेजा था, ये तो हरि शरण की बात करता है। ये तो हमारे कुल में ऐसा पैदा हो गया यज्ञ चंदन बने जात का कंट का ध्रमह, यज्ञ चंदन मन में ये कांटा पैदा हो गया। ये मेरे भाई बहनों गुरु जी को बोला, गुरु जी क्या पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे को, क्या शिक्षा दे रहे हैं? मेरे भाई ये बच्चा है, पता नहीं किसने इसको सिखा दिया होगा, हम देखेंगे इसको। फिर विद्यालय में भेज दिया, विद्यालय में गया, फिर गुरु जी ने देखा, पढ़ाया उसको ठीक ठाक। फिर जब गुरुकुल से घर आया, माँ ने फिर उसका श्रृंगार किया, लाड़ प्यार किया, राजा के लिए उसको गोदी में रखा, लाड़ प्यार किया। बेटा प्रह्लाद पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही है? अरे हाँ पिताजी अच्छी हो रही है। तो बेटा एक काम करो, जो तुमने अच्छी पढ़ाई की हो, अच्छा पाठ जो पढ़ा हो जरा मुझे सुनाओ। तो प्रह्लाद जी कहते हैं पिताजी बोलते तो तुम्हें ऐसा है कि अच्छा सुनाओ, लेकिन सुनाना नहीं चाहते हो। बोलते तो है खाली, लेकिन सुनना नहीं चाहते हो। सुनाओ तुम्हें, मेरे गुरु जी ने मुझे नौ पाठ पढ़ाए थे। बोले बेटा सुनाओ जरा नौ पाठ, ध्यान से सुनना। प्रह्लाद जी कहते हैं सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्षमात्म निवेदनम। पहला पाठ है भगवान की कथा सुनना, भगवान के नाम सुनना, भगवान का कथा सुनने से लाभ होगा। बोले क्या लाभ होगा? गोपियों ने कहा नहीं, हाँ तब कथामृतम प्राप्त जीवनम कवि विदितम कलम सापहम श्रवणम जीवनम। जो हम तप्त जीवी लोग हैं, संतप्त हैं, दुखी प्राणी हैं, कुछ देर के लिए हमें शांति मिलती है, नहीं मिलती शांति। अरे न जाने हम में से कितने लोग कितने दुखी होंगे, क्या क्या दुख होगा, क्या क्या परेशानियां होंगी, नहीं। लेकिन कुछ देर के लिए हम सब परेशानियां भूल गए हैं, घर द्वार बाल बच्चे सब भूल गए हैं कथा में बैठ करके। मेरे भाई बहनों ये ऐसा स्थान है जैसे कि बहुत गर्मी लगती है ना, बहुत गर्मी लगने के बाद क्या करते हैं, ठंडे पानी में नहाते हैं, गंगा जी में नहाते हैं, नदियों में नहाते हैं। जब तक हम नदी के अंदर रहेंगे तब तक क्या रहेगा, ठंडा ठंडक रहेगी ना। अब जैसे हम नदी से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, फिर गर्मी सताती है। ऐसे ही कथा का प्रवाह है, ऐसी कथा का ये सरोवर है, ऐसी कथा की गंगा है। बहुत संतप्त होने पर भी, बहुत दुखी होने पर भी, बहुत परेशानियों के होने पर भी कुछ देर के लिए हम
दुखी प्राणी हमारे दुख दूर हो जाते हैं, हमें ठंडक मिल जाती है, शांति मिलती है। तो तब कथामृतम तत् जीवनम कवि के चरित्र को सुन करके आनंद लेते हैं, ऐसा है भगवान का चरित्र। उद्धार हो गया उसका, जिन भाई बहनों ये नवदा भक्ति है, क्या ये नौ प्रकार की भक्ति। जिस प्रकार से रामायण में भगवान श्री राम ने सबरी को नवदा भक्ति बताई थी, प्रथम भगति संतन कर संगा दूजी रति मम ऐसी ही नौ प्रकार की भक्ति श्री ने प्रहलाद जी नौ प्रकार के पाठ से प्रहलाद जी अपने पिताजी को सुना रहे हैं। मेरे भाई बहनों, भक्ति वस्तु है क्या, जो समझो। भजमंतकर्णस्य भगवता कारता रूपम भक्ति भाव व्युत्पत्त्यः अंतकर्ण से, इस भाव से भगवान को या जिस देवता को हम जो है याद करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी का नाम है भक्ति। अंतकर्ण से, हृदय से। और दूतस्य भगवत धर्मा धारा वाहिताम गतः, द्रुत गति से, जिस प्रकार से गंगा जी की धारा रुकती नहीं है, ऐसे ही हमारे मन से भगवान की भक्ति रूपी धारा न रुके, इसी का नाम है भक्ति। और भक्ति से क्या होता है, भव सागर चहो पार जो पावा, भव सागर चहो बोल रहे हैं कि भवसागर को पार करने वाले भगवान की कथा है। इसके बीच में जब आते थे ना वो पहले नाव, पहले आते थे तो पुल पार करके आते थे कथा सुनने के लिए। जब उसने सुना कि भगवान की कथा भवसागर से पार कर देती है, उसने सोचा क्यों मैं इतने लंबे चौड़े रास्ते जाऊंगा, जब भवसागर से पार हो जाता तो नदी पार कैसे नहीं हो जाऊंगी। मेरे भाई बहनों, और भगवान का नाम बोलते हुए और नदी पार कर दिया, सच्चा मन था, सच्चा हृदय था। अब गुरु जी के चरणों में गई, दूसरे दिन कथा सुन लिया तो उसी नदी में आके कथा सुनने गई, गुरु जी के चरणों में गई। गुरु जी बड़ी कृपा हुई आपकी मेरे ऊपर, बड़ी क्या हुई बड़ी कृपा, बोले मैं तो नदी पार कर गई हूँ। गुरु जी ने समझा कि नदी पार में पुल पार से नदी पार किया होगा इसने, बोले गुरु जी आप तो महान हैं, चलो मेरे घर, आज मेरे घर में आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ, तुम मेरे गुरु बन गए हैं, चलो बेटे चलते तेरे घर में। अब जो पुल का रास्ता था उसने छोड़ दिया, अब नदी के किनारे लगे गुरु जी को। गुरु जी ने सोचा शायद जो है इसने कोई नाव की व्यवस्था कर रखी होगी, तो कहा नाव नहीं दिखाई दे रही है। गुरु जी का हाथ पकड़ा, बोले गुरु जी डरते क्यों, चलो भगवान का नाम तुम भी बोलो और मैं भी बोलते हूँ। भगवान का नाम बोल करके गुरु जी भी पार हो गए और चीनी भी पार हो गई। तो गुरु जी उसके चरणों में गिरे, बोले बेटी तू ही मेरी गुरु है, क्योंकि हम तो खाली बोलते हैं, तूने तो अपने जीवन में इसको सार्थक करके दिखाया है ये मेरे भाई बहनों। लेकिन मन दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा था कहां दृढ़ ना हुआ। समझाया उसके बाद दूसरी भक्ति श्रवणम कीर्तनम भक्ति, कीर्तन भक्ति, कीर्तन करते हैं ना लोग, कलयुग के लिए कीर्तन भक्ति बड़ी महान बताई है। हृदय अध्यायते विष्णु पीता यम हृदय मखा
गापरी परिसर ही आया करो तद हरि कीर्तन आ। कलियुग में कीर्तन मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कीर्तन भक्ति बताई, स्मरण भक्ति बताई, पाद सेवन भक्ति बताई, अर्चन भक्ति बताई। अर्चन भक्ति में जो हम पूजा पाठ करते हैं घरों में, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, 650 से 550 से जो भी हम पूजा करते हैं, इसकी अर्चन भक्ति है। वंदन भक्ति होती है, दास्य भक्ति होती है, दास वंदना इनके बीच में फेंका। फिर भाई बहन जैसे ही अजगर ने प्रहलाद का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वो विष भरे हुए विषहीन हो गए, इसलिए नाग भी विषहीन हो गए और वो प्रहलाद के शरीर में मंडराने लग गए, घूमने लग गए। प्रहलाद जी को बड़ा आनंद आ रहा है। प्रहलाद जी उस स्थिति में भी श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का संकीर्तन करे मेरे भाई बहनों। बड़े से पहाड़ से गिरा लो, पर्वतों से गिराया गया, अपने इसको जन्म दिया है, इसी की माँ के हाथों से उसको मरवा देना चाहिए। मेरे भाई बहनों, हिरण्यकश्यप ने विष इकट्ठा किया, कयादों को बुलाया, ए कयादो इधर आओ। बोले क्या है उसका, क्या पति देवता? बोले तूने अपने हाथों से इसके पुत्र को विषपान करवाना है। बताइए कौन माँ ऐसी होगी अपने हाथों से अपने बेटे को मार देगी? लेकिन मेरे भाई बहनों क्या करती, पति अज्ञा है, उसने क्या किया कि हाथ में जहर का प्याला रखा हुआ है। प्रहलाद जी खड़े हैं, हाथ डगमगा रहा है, हाथ थर थर कांप रहा है, आंखें बंद हैं। एविटा प्रहलाद, संसार के लोग मुझे धिकार देंगे, ऐसी माँ, एक माँ ऐसी हुई है जिस माँ ने अपने हाथों से अपने बच्चे को मार दिया। लेकिन बेटा क्या करूँ, मैं धर्म से बनी हुई हूँ। प्रहलाद जी ने इस विश्व भरे हुए प्याले को अपनी माँ के हाथ से लिया और घट घट करके पूरे प्याले को पी गए। बस माँ को मूर्छा आ गई, माँ गिर गई जमीन में। हाँ, इस प्यारे लाडले को मैं कैसे देखूंगी, ऐसे में आँख खोल कर इसके उसको देख पाऊंगी, क्योंकि मरा हुआ मुझे मिलेगा, इससे पहले मुझे ही मर जाना चाहिए। फिर भाई बहनों, जब विष का प्याला पिया, माँ को अचेत देखा, माँ को बेहोश देखा, तो मैया को झकझोरता है, मैया को उठाता, माँ उठो। माँ सोचती मैं सही स्वप्न देख रही होंगी, मेरा बच्चा कहाँ जिंदा होगा। फिर माँ को उठाने का प्रयास किया, माँ उठो। कुछ देर बाद फिर माँ को थोड़ा चेतना आई, सामने पर देखा मेरा प्रभाव उठ रहा है, हंस रहा है, प्रसन्न चित्त है। बोले बेटा तुझे जहर का असर नहीं हुआ? बोले नहीं माँ, ये जहर थोड़ी नहीं था, ये तो भगवान का चरणामृत था। अकाल अमृत हरणम सर्व व्याधि विनाशनम कृष्ण पादोदकम दित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत क्या कभी मारता है? भगवान का चरणामृत तो अकाल अमृत को भी दूर कर देता है। मेरी भाई बहनों, इतना प्रेम हो, इतना दृढ़ निष्ठा हो, तो विश्व भी अमृत बन जाता है। अरे ज्यादा वर्ष नहीं बीते, 200-300 वर्ष ही बीते होंगे मीरा भाई को तो जहर दिया था, और मीरा भाई ने जहर पी करके फिर भी कृष्ण का नाम वाले लाया, उसको जहर का प्रभाव नहीं लगा। इतना प्रेम होना चाहिए, इतना समर्पण भाव होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा तो जहर भी अमृत बन जाता है। मेरे भाई बहन वहां भी नहीं मरा। बोले अब इसको विष से भी नहीं मरता है, पहाड़ से भी नहीं मरता है, सांप भी नहीं काटते हैं, जाओ इसको भूख से मारो, भूखा रहेगा तो मरेगा। एक कोठरी में बंद कर दिया, पहरा ले दिया, वहां ताले मार दिए। यहाँ मैं आया, देखो कादी परी भगवान नारायण द्वारिका हो,
अरे मान लिया जाए हमारी आयु 100 वर्ष की है, 100 वर्ष की आयु में कुछ समय हमारे बालकपन में चले जाता है, कुछ समय हमारे जवानी में सेवा में चले जाता है, नौकरी चाकरी में चले जाता है, और शीशम व्याधि वियोग दुख निरतम शिवाभिवृत्ति यदि जीवम बार तरंग संचल तरह स्वच्छ प्राणी महा नौकरी में चले जाएगा। घर गाँव में शादियाँ होती हैं, अन्य प्राशन हो रहा है किसी का, छोटा कर्म हो रहा है किसी का, भला बुरा सब देखना पड़ता है, तो क्या होगा, इस समय तो जाना ही है। फिर भाई बहनों कब समय बीत गया कुछ पता चली? अरे हर आदमी अपनी जन्म तिथि पर रहेगा कि मेरा जन्म फलाने फलाने तारीख हुआ, फलाने फलाने महीने हुआ, फलाने फलाने समय पे हुआ, बता सकता है ना? हर आदमी बता सकता है, लगभग हर आदमी अपनी शादी की भी डेट बता देगा। क्या बोलते हैं उसको, शादी सालगिरह बनाते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कुछ बोलते हैं भैया बनाते हैं लोग, साल भर में सालगिरह बनाते हैं उसकी शादी की, इसको भी बता देंगे हमारी शादी फलाने फलाने दिन हुई है, ये भी बता देंगे कि हमारा बच्चे का जन्म फलाने फलाने तारीख हुआ है, कि मेरे भाई बहनों जरा हाथ उठा के बताना कि हम बूढ़े कब हुए हैं, बताओ जरा बाल वगैरह पुलिस पता भी चलू कुछ कब बूढ़े हुए पता चला, कुछ पता नहीं चला। तो जीवन बार तरंग चंचल तरह स्वच्छ प्रताप प्राण न, हमारा जीवन तो चंचल तरंगों की तरह है, नदी में तरंग आती है, लहर आती है, चले जाती है, ऐसा ही हमारा जीवन है। इसलिए जब तक हमारी अंगड़ियां काम कर रही हैं, हाथ पटक काम धोने का ना का, तब तक कुछ सोचे, अरे हमें भी स्वयं को होता है, ग्लानी होती है स्वयं को, हमने अपने जीवन में कुछ किया नहीं है, इसलिए हमें अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सांभल तो सांभल सांभल जानते हैं हम लोग, अरे पहले जमाना माना सफर होकर था ना, ये सफर तो सांभल रखा था अपने को, चौल आटो सातो एक तसला होता था पहले, जिस दिन बाटी बोल दें तसला भी बोल देते, सांभल होता था पहले सफर के लिए, पुराना पुराना लोग जानते नहीं बात है, मैंने छोड़ते के पौधे सामने के होना तो उठो नहीं खुल जाएगा, समझिए। तो ये हमारा हमारे लिए हमारा जो है रास्ते का सामान है, सामग्री है, तो क्या सामग्री हमें इकट्ठी करनी है, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, काम करते रहो, नाम रटते रहो, तुम गौर मिलता लेते रहो, पंडित जन के बस कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, काम भी करना है, नाम भी रखना है, समझिए। एक एक भागवतकार श्री प्रभात अपने भाई को समझा रहे हैं, भैया ये भरोसा नहीं है जीवन का। उसके बाद मेरे भाई बहनों आगे ये कथाएं इतनी विस्तृत हैं, मैं बोल रहा हूँ कि यदि कोई मुझे समय दे तो 2 महीने 1 महीने तक तो पूरी कथा बोल सकता हूँ, एक ही कथाएं पूरी नहीं होती हैं। तो मेरे भाई बहनों फिर कहते हैं कथम प्रियाया नुतम पिताया, अरे किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, सब स्वार्थ के लोग हैं, जो एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं ना, सब स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, स्नेह जो हो रहा है, प्रेम जो हो रहा है, स्वार्थ का प्रेम है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति,